हमारे बॉडी की सबसे पावरफुल एनर्जी होती है सेक्सुअल एनर्जी। इस एनर्जी में इतनी शक्ति होती है कि इस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म करके दुनिया के हर एक चीज को हासिल कर सकते हो। अपने फोकस, अपनी ताकत, अपने स्टेमिना को इतना ज्यादा बढ़ा सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आप में से अधिकांश लोगों को इस एनर्जी के महत्व के बारे में पता ही नहीं होता है, और इसीलिए जाने अनजाने में आप लोग इस एनर्जी को बर्बाद कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो। लेकिन जब आपको इस बात का एहसास होता है तो आपको लगता है कि अब नहीं, अब मुझे इस एनर्जी को रिकवर करना चाहिए। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे साइंटिफिक प्रूफ तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आप कुछ महीने भी फॉलो कर लेते हो ना, तो आप अपने बॉडी में इस एनर्जी को दोबारा से पहले से ज्यादा रिकवर कर लोगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक तरीके को ध्यान से समझिएगा। नंबर वन, अवॉइड दिस मिस्टेक्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको परहेज करना है। देखिए, आप सबसे पहले ये समझिए कि हम लोगों का जो सेक्सुअल एनर्जी होता है वो हमारे टेस्टिकल्स में बनते हैं, और हमारा जो टेस्टिकल्स होता है वो हमारे बॉडी से बाहर होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम रहे, क्योंकि जितना कम हमारे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर होगा हमारा स्पर्म काउंट उतना ही तेजी से बढ़ेगा। और अभी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में टेस्टिकल्स में स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, यानी कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। और इसीलिए अगर अब आप इस एनर्जी को वेस्ट नहीं करती हो तो आप अपने बॉडी को, आप अपने स्पर्म को बहुत ज़्यादा तेजी से रिकवर कर लोगी। लेकिन इसमें भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। दूसरी बात कि किसी भी ऐसे चीज़ का अपने गोद पे रख के इस्तेमाल ना करें जिससे रेडिएशन निकलती है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, क्योंकि मोबाइल और लैपटॉप से निकलने वाली रेडिएशन हमारे स्पर्म की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। तीसरी बात कि जितना हो सके तेल से बने चीज़ों का और फास्ट फूड का सेवन ना करें। चौथी बात कि अगर आप शराब पीते हो या फिर किसी भी तरह का धूम्रपान का सेवन करते हो तो इन सब चीज़ों से परहेज करें। और पांचवी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जितना हो सके मास्टरबेट करने से बचें, क्योंकि अब आपको इस एनर्जी को रिकवर करना है, ना कि वेस्ट करना है। नंबर टू, कुंभक प्राणायाम। देखिए, आप किसी भी तरह का वर्कआउट करते हो, आप होम वर्कआउट करते हो, जिम में वर्कआउट करते हो, या फिर ग्राउंड में करते हो, रनिंग करते हो, या फिर किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों को करने के बाद ज़्यादा नहीं, केवल 10 मिनट आपको कुंभक प्राणायाम करना है। देखिए, कुंभक प्राणायाम आपके सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके ताकत में बदल देती है, जिससे कि आपका स्टेमिना, आपके बॉडी का जो ताकत होता है पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप में से कुछ लोगों का नाइटफॉल भी होता है, तो कुंभक प्राणायाम नाइटफॉल को भी रोकने में मदद करता है। तो आपको वर्कआउट के बाद ज्यादा नहीं, केवल 10 मिनट समय निकालना है, और 10 मिनट आपको कहीं पे आराम से बैठना है और कुंभक प्राणायाम को कर लेना है। नंबर थ्री, कुछ ऐसे औषधि जो कि हमारे स्पर्म काउंट, हमारी सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है। सबसे पहली चीज कि आपको कहीं पे एक बरगद का पेड़ ढूंढना है, और उस बरगद के पेड़ के पास आपको सुबह उठकर खाली पेट जाना है, और साथ में आपको एक बतासा लेना है, और फिर आपको उस बतासे में एक बरगद का पत्ता तोड़ना है, और उससे जो दूध निकले उसको आपको 2 से 3 बूंद उस बतासे में डाल देना है, और फिर आपको उस बतासे को खा जाना है। आप 10 से 12 दिन इस चीज का सेवन कीजिए, आपको अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे बदलाव देखने को मिलेंगे ना, जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। दूसरी चीज जिसे आप में से अधिकांश लोग परहेज करते हो, और वो है देसी घी। देखिए, घी एक ऐसी चीज है ना जो कि आपके सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा तेजी से बूस्ट करती है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है, और इसीलिए ज्यादा नहीं, कम से कम 3 से 4 चम्मच घी आपको हर दिन जरूर खाना है। आप किसी भी चीज के साथ खा सकते हो, आप रोटी के साथ खा सकते हो, दाल में डालकर खा सकते हो,
या फिर सब्जी में डालकर भी खा सकते हो। इसके अलावा कई ऐसी जड़ी बूटियां होती है जो कि हमारे सेक्सुअल एनर्जी को, हमारी ताकत को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है, जैसे कि सफेद मुसली, शिलाजीत, अश्वगंधा, शीतल चीनी और सतावर। देखिए, ये सब ऐसी जड़ी बूटियां हैं ना जो कि हमारे सेक्सुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है। लेकिन अफसोस कि आप इतनी सारी जड़ी बूटियों को एक साथ नहीं खा सकते हो, और इसीलिए आप ले सकते हो मानव हर्बल का शुक्र रसायन, जिसे 14 प्रकार के जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया गया है, जो कि हमारे सेक्सुअल एनर्जी को, हमारी ताकत को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाती है। इसके अलावा अगर आपको नाइटफॉल की समस्या होती है तो ये नाइटफॉल को रोकने में भी बहुत मदद करता है। और सबसे अच्छी बात कि ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है, और इसीलिए इसका आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और इसीलिए आप इसे बिना किसी डर का सेवन कर सकते हो। तो अब मैं आपको इसे खाने का सही तरीका भी बता देता हूँ। तो देखिए, आप जब भी वर्कआउट करते हो तो आपको वर्कआउट करने के आधा घंटे के बाद एक गिलास हल्का गर्म पानी या फिर एक गिलास गर्म दूध में आपको इसका एक चम्मच लेना है और अच्छे तरीके से उसमें मिला देना है, और फिर आपको उस पानी को घुट घुट करके पी जाना है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे बड़ी ही आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। नंबर 4, लेग वर्कआउट। देखिए, कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी अपने लेग वर्कआउट को मिस नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग लेग वर्कआउट करते हैं तो हमारे टेस्टिकल्स पे प्रेशर जनरेट होती है, और जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, और जितना ज्यादा आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा, आपका सेक्सुअल एनर्जी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। तो अगर आप वर्कआउट नहीं भी करती हो तो आप अपने घर पे ही हर रोज कम से कम 50 दंड बैठक जरूर लगाएं। ये आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को तो बढ़ाएगी, साथ ही साथ आपके बॉडी को फिट रखने में बहुत मदद करेगी। तो ये 4 तरीके थे जिसके मदद से आप नेचुरली अपने बॉडी में सेक्सुअल एनर्जी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।